हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लाज्मा की फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जहां गैस के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से अलग है ये। जैसे सॉलिड को गर्म करने से लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करने से गैस, और गैस को जब गर्म किया जाता है तो प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन मौजूद होते हैं, दोनों की संख्या लगभग बराबर ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग भी होता है। इसका मतलब है करंट इसके थ्रू पास किया जा सकता है। चलिए जानते हैं प्लाज्मा कैसे बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज एटम से बनी होती है, उसके बीच में न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है, एटम में कोई चार्ज नहीं रहता। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है तो प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण वो आयन बन जाता है, और उसको वही प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन बोला जाता है। आयनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए एनर्जी लगाई जाती है और उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। गैस को एनर्जी जहाँ से मिलती है, अगर गैस को गर्म किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको 3000 केल्विन से 10000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। इतने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एटम को आयन बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और आयन के ऊपर फोर्स लगा के एक्सेलरेट करता है। आयनाइजेशन की प्रक्रिया तेज गति से होता है और प्लाज्मा बनता है। इस तरह से प्लाज्मा बनता है। थैंक यू।